नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के थाना लोनी कटरा के गौरवा उस्मानपुर गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जो चक्रोड है, खड़ंजा मार्ग है, दिखा चाहता हूँ कि ये खड़ंजा मार्ग है। और यहाँ पर जो वादी है, उस वादी है, यहाँ पर अपना मकान कुछ बनवा रहा है। इसके लिए कुछ ग्रामीणों को आपत्ति है कि यहाँ रास्ता कम सकरा है। हमने अभी ला करके देखा है कि रास्ता साढ़े आठ फीट रास्ता इस तरफ है। कलर वगैरह दिखाए कि यहाँ पर है, ये 8.5 फीट है। ये जो दीवार 35 साल पुरानी नींव भरी है, इस नींव से और इस नींव दूरी की 8.5 फुट है। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरफ जो है मात्र 8 ही फुट है, आधा फुट कम है। तो यहाँ पर जो है आधा फुट कम है, विवाद पुलिस तक गया है, जबकि ये 35 साल पुरानी नींव भरी हुई है। उसी पर अपना बनवाना चाहते हैं, लेकिन जनहित में जो रामफेर है उनका कहना है कि ट्रैक्टर टाली कोई भी वाहन नहीं निकलेगा तो हम इसको जो है हटा भी लेंगे, लेकिन ट्रैक्टर टाली निकल जाएगा तो कोई बात नहीं। रामफेर जी आप इधर आइए। ये जो आपके पिलर बने हुए हैं 35 साल पुरानी नींव पर बन रहे हैं, लेकिन जनहित में यदि मान लिया ट्रैक्टर टाली भाई आपको भी यही रहना है और आपके गांव के परिवार जनों भी यही रहना है, सबको मुझे बसर करना है। जब ट्रैक्टर टाली या कल्टीवेटर होता है कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्या आप अपनी सहमति से इसको जो थोड़ा टाली जो भी निकाल कर देखेंगे, यदि निकल जाती है तो कोई बात नहीं, निकलती तो पीछे कर लेंगे और निकल जाएगी। सर ये पानी कहाँ उतारेंगे? अरे पानी, अरे पानी के लिए नाली नागर प्रधान बनवाता है, नहीं बनाएगा। और ये जो रास्ता में पानी भरा है, यहाँ के ग्राम प्रधान जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही से जो एक खड़े पर नादान होते हैं, इसको नाली बनवाना चाहिए। जनहित में प्रधान को भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर शारीरिक रास्ता है वहाँ पर जलभराव न, जिससे कि डेंगू जैसी गंभीर बीमारियाँ पैदा होती हैं। लेकिन शासन प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि शासन प्रशासन को त्वरित संज्ञान में लेकर के मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो जिलाधिकारी बहुत ही सजग हैं, लेकिन उसके बावजूद के छोटे अधिकारी उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, इसका भी संज्ञान लेकर के जलभराव समस्या से निजात मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार सर, DS News 12 बाराबंकी।